गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना शुरू किए थे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये हो गया। अभी आज हम लोग शुरू करेंगे स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू मतलब हम लोग का बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो हड्डी वाला पोर्शन वो बनाते हैं। यूजुअली हर एक वर्टीब्रेट जो है, वर्टीब्रेट एंड इनवर्टीब्रेट दो तरह की एनिमल्स होता है। वर्टीब्रेट मतलब जिसका स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड सारा बॉडी में बहुत सारा बोन्स रहते हैं तो उसको वर्टीब्रेट कहते हैं। तो वर्टीब्रेट का बॉडी में ये जो बोनी स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं स्केलेटल टिश्यू। तो बहुत सारा स्केलेटल टिश्यू मिलके ये बनते हैं स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में हम लोग देखेंगे तो दो तरह की ये टिश्यू होते हैं, एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। तो पहले हम लोग कार्टिलेज क्या है ये देखते हैं। कार्टिलेज एक्चुअली बोनी सब्सटेंस है लेकिन थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, जो कि पर्टिकुलर वन काइंड ऑफ सेल से बनते हैं जिसको कहते हैं कार्टिलेज सेल। ये कार्टिलेज सेल जो कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस वही मैट्रिक्स है, और जिसके बारे में हम आगे की क्लास में, लास्ट क्लास में बोले थे, वो मैट्रिक्स जो है ग्राउंड सब्सटेंस वो रहता है एंड उसके ऊपर जो सेल रहता है उसका स्पेशल सेल का नाम है कार्टिलेज सेल। तो ये कार्टिलेज सेल से बनता है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो ये कार्टिलेज का ज्यादा ये लेस हार्ड है देन बोन। बोन बहुत ही एक हार्ड होता है लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। अब ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि ये बहुत ही नरम टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको स्ट्रेच करना या स्ट्रेंथ करना आते हैं। तो ये मोड़ भी सकते हैं और ये हम लोगों का बॉडी को शॉक से बचाते हैं, बाहर वाला जो भी शॉक वो उससे बचाते हैं। ये हम लोगों का बॉडी में कहाँ दिखाई देते हैं, हम लोग का बॉडी का जो विंड पाइप है, मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस जिस पाइप से हम लोगों का लंग्स तक जाते हैं, विंड पाइप में ये विंड पाइप जो है वो कार्टिलेज से बनता है। और कहाँ इसको दिखाई देते हैं, हम लोगों का बॉडी में जो लंबा लंबा हड्डी है, मतलब कि ये जो बोन्स है, हाँ, फोर लिम्स में जो बोन्स है, हिंड लिम्स में जो बोन्स है, पैर में, हर हाथों में जो बोन्स है, उसका एंड वाला पोर्शन में ये कार्टिलेज रहता है। जबकि ये हम लोग का हड्डी जो है, यहाँ पर जो बोन्स है, ये बार बार हम लोग स्ट्रेच एंड स्ट्रेट करते हैं। पैर का हड्डी तो ज्यादा होते हैं, जब चलते हुए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बार बार ये बेंड होता है एंड स्ट्रेच होता है। तो इसी करने में जो बार बार ये एक दूसरे के साथ अगर लगेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होने से हम लोगों का दर्द भी होगा और ये जो बोन्स है ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसी जगह पर कार्टिलेज रहता है जिसे हम लोगों का बिल्कुल हाथ चलने में या हाथ मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम लोगों का बॉडी के बाहर ये कार्टिलेज दिखाई देता है, ये जो कान का पोर्शन है इस पोर्शन में ये कार्टिलेज रहता है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है एंड फ्लेक्सिबल है। एंड ये नाक का जो पोर्शन ये भी कार्टिलेज से बनता है, ये बिल्कुल ही बोनी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड स्ट्रेचेबल है। ओके, तो ये है कार्टिलेज। नेक्स्ट है बोन। बोन जो होता है ये बहुत ही हार्ड टिश्यू है, कार्टिलेज से तो कई ज्यादा बोन हार्ड होते हैं क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर सेल से बनते हैं जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ये ऑस्टियोसाइट सेल जो है, ये ऑस्टियोसाइट सेल बहुत ही हार्ड है और इसका जो मैट्रिक्स पोर्शन ये एक हॉलो ट्यूब के आसपास में, मतलब कि बीच वाला पोर्शन हॉलो है और इसके चारों साइड में ये ऑस्टियोसाइट सेल है, इसे कवरिंग करके रखते हैं। तो बीच में जो हॉलो पोर्शन ये पूरा बोन मैरो से भरा हुआ रहता है। हम लोग का हड्डी जो है उसका अंदर वाला जो हॉलो पोर्शन वो बोन मैरो से भरा हुआ रहते हैं। और ये जो कैनल है बोन के अंदर, इसको कहते हैं हवेशियन कैनल। बोन के बीच में, बोन के बीच में ये जो कैनल जहां से बोन मैरो रहते हैं उसको कहते हैं हवेशियन कैनल। और ये बोन मैरो हम लोगों का बॉडी में जो रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल ये तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बोन मैरो हम लोगों को बोन मैरो
हम लोगों को बॉडी में ये जो फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू ये तैयार करने में मदद करते हैं। और बोन क्या करते हैं, बोन हम लोगों का बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बोन हम लोगों का बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करता है, ये है बोन का काम। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटल कलेक्टिव टिश्यू जो है उसके बारे में। नेक्स्ट है फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू ये एकदम लिक्विड है, ये जैसे हार्ड है वो एकदम लिक्विड है। फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू हम लोगों का बॉडी में जो है वो दो तरह की होते हैं, एक है ब्लड दूसरा है लिंक। अभी पहले ब्लड देखिए, ब्लड में क्या रहता है, ब्लड में एक चीज रहता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर की होते हैं, स्ट्रॉ कलर की एक लिक्विड पूरा हम लोगों का बॉडी में ये रहता है, और पूरा बॉडी में हर एक ऑर्गन्स हर एक सेल के पास ये ब्लड पहुंच जाते हैं। प्लाज्मा जो है वो एक्चुअली ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर ब्लड का सेल्स जो है वो रहते हैं। तो ब्लड में पहले जो रहते हैं वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा पूरा बॉडी में फैलता है और इसके साथ साथ चलता है तीन सेल, एक का नाम आरबीसी, एक का नाम डब्ल्यूबीसी एंड एक का नाम प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल रेड कलर में हम लोगों का बॉडी में हम लोगों को जो ब्लड है वो दिखाई देता है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल बहुत ही ज्यादा रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। ज्यादा रहने की वजह से ब्लड का कलर ही रेड हो जाता है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, और ये रेड ब्लड सेल हम लोगों का बॉडी में ऑक्सीजन पूरा लेके जाते हैं हर एक सेल के पास, और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके फिर लेके आते हैं। तो ऑक्सीजन कैरी करना या कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना ये आरबीसी का मेन काम है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, ये भी प्लाज्मा के अंदर रहता है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी ये एक्चुअली हम लोगों का बॉडी में जो प्रोटेक्शन वो देता है, मतलब हम लोगों का बॉडी में अगर बाहर से कोई जर्म्स या बैक्टीरिया कोई भी कुछ भी जो कि हम लोगों का बॉडी के लिए अच्छा नहीं है खतरनाक हो सकते हैं वो अगर जाती है हम लोगों का बॉडी में तो ये डब्ल्यूबीसी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए ये हम लोगों का बॉडी को बहुत सारा डिजीज से बचाते हैं, प्रोटेक्शन देता है हम लोगों का बॉडी का। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स हम लोगों का बॉडी में अगर कई जगह में कट जाते हैं तो वहां पे खून निकालना हम लोगों को शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप लोग देखते हैं कि वो खून ऐसे ही अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये जगह पर खून क्लॉट करने का जो तरीका वो कंप्लीट करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड। अभी जो है ये है लिंक। लिंक एक्चुअली ब्लड का ही एक पोर्शन है जिसमें आरबीसी नहीं है, मतलब लिंक में प्लाज्मा है और उसके साथ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहता है, ओनली आरबीसी नहीं रहता है इसीलिए उसका कलर रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रॉ लाइक कलर होता है। और लिंक का मेन काम है हम लोग का बॉडी का प्रोटेक्शन देना, क्योंकि वहां पर डब्ल्यूबीसी रहता है इसीलिए वो हम लोग का बॉडी को कई तरह की डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आप लोगों का एनिमल टिश्यू के बारे में सारा चैप्टर्स खत्म। अभी हम लोगों का चैप्टर में जो लास्ट पोर्शन दिए है वो है एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में हम लोग जो जो पढ़े हैं अभी तक, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में क्या क्या डिफरेंस है वो थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे कि प्लांट टिश्यू में आप लोग देखिए पहला पॉइंट जो लिख रहा है, प्लांट जैसे कि फिक्स रहता है, प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू रहता है जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, जो कि हम लोग जानते हैं वो भाग नहीं सकते जहां धूप हो छांव हो झड़ बादल हो बारिश हो, वो एक जगह खड़ा रहता है, वो सब नेचुरल जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सभी वहां पर रहते हैं, लेकिन हम लोग छुप जाते हैं, लेकिन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जरूरत पड़े तो। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू के अंदर आप लोग देखेंगे तो प्लांट के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो टिश्यू जो कि सपोर्ट देता है, जैसे सपोर्टिव टिश्यू ये ज्यादा रहते हैं।
एनिमल की सूट में, लेकिन वो तो हम मूव करना उसके ऊपर जरूरी है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसके खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड कई तरह की जो लाइफ प्रोसेस है वो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए उसका बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रहता है मस्कुलर टिश्यू क्योंकि मसल मूवमेंट में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है, देखिए प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में बोले है कि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू जो आफ्टर मैच्योरिटी डेड हो जाते हैं, ज्यादा जिंदा सेल लिविंग सेल नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सो दे उन लोगों को जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा नहीं लगती, बहुत कम एनर्जी उन लोगों को चाहिए। और दूसरी तरफ एनिमल टिश्यू में देखिए, एनिमल जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसका लाइफ प्रोसेस भी ज्यादा रहता है और बॉडी में जो सेल्स है वो भी लिविंग है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, मतलब खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट जो दिखा है प्लांट टिश्यू में, प्लांट जो वो ग्रोथ उसका होते हैं उसका थ्रू आउट देयर लाइफ वो लोग बड़े होते जाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं है, एनिमल्स का एक ईयर के बाद, कुछ ईयर के बाद अपना अपना जो हाइट वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो बड़े नहीं होते। जैसे कि आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग बड़े होते हैं, आप लोगों का हाइट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, लेकिन हम लोग जैसे बहुत एडल्ट हो चुके हैं हम लोगों का हाइट और नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं होता, सारा उम्र भर उसका हाइट बढ़ते रहते हैं। तो प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसका ओनली सेल डिवाइड करके उसको ग्रोथ होने में मदद करते हैं, ठीक है, उसका कैपेसिटी है सेल डिवीजन करना, लेकिन बाद में जब परमानेंट टिश्यू होता है उसका कोई सेल डिवीजन करने का कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड नॉन डिवाइडिंग डिविजिजियन जो है उसका रहते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और नॉन डिवाइडिंग रीजियंस जो है वो अलग होता है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ऐसा सेल डिवीजन नहीं होता है, नहीं सेल डिवीजन होता है लेकिन वो ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन सारा उम्र भर एनिमल्स का सेल डिवाइड करते रहते हैं क्योंकि सेल जो है वो जब डेड हो जाती है तो हम लोग का बॉडी से रिमूव हो जाता है और उसका प्लेस में नए सेल चले आते हैं। अब जिस लोगों का ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि जैसे आप लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है, तो आप लोगों का सेल डिवीजन का जो रेट है वो ज्यादा है, लेकिन हम लोगों का सेल डिवीजन का रेट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोगों का ग्रोथ अभी नहीं है, नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का सेल जो है एक सेल उसका जो लाइफ स्पैन है वो मर जाएगा, फिर उसकी जगह दूसरा सेल आ जाएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन हम लोगों का उम्र भर चलता है, मतलब कि हम लोगों का बॉडी में लिविंग सेल ज्यादा है लेकिन प्लांट का बॉडी में ज्यादा से ज्यादा डेड सेल है। तो ये है सारा डिफरेंस एक प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है, ये ड्राइंग भी आप लोग, ये जो चार्ट है ये चार्ट अलग अलग करके जैसे हम बोर्ड में किए है कीजिएगा क्योंकि एक पेज में नहीं होगा। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे पहले बुक का, बुक में, ठीक है, बाय।